हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेरी फेवरेट स्वीट जलेबी। जलेबी बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है और इसकी डिमांड भी बहुत आ रही थी जलेबी की रेसिपी बताना। तो चलिए हम शुरू करते हैं जलेबी बनाना। जलेबी बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं एक कटोरी मैदा छान लूंगी। ये मैं बिल्कुल इंस्टेंट जलेबी बना रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, मैंने आधे चम्मच से भी कम लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल एक पिंच से भी कम बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा हम ज्यादा डालेंगे तो जलेबी जो है तेल में डालते ही वो फट जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। एक कप मैदा है तो इसमें मैं 1/4 कप जो है वो दही डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें जो बैटर है जो वो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए। इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगी क्योंकि इसमें लम्स रह जाती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें बहुत मिक्स करने के बाद भी थोड़ी बहुत लम्स रह जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर। मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है क्योंकि मैं चाशनी में भी ना मैं अलग से केसर डालूंगी तो केसर से भी अच्छा कलर आता है, इसलिए थोड़ा सा मैं कलर इस बैटर में डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से हाथ से घोल रही हूँ। इस तरह से ना हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब तकरीबन इसमें लम्स खत्म हो गई हैं। मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ूंगी तो उसी टाइम हम चाशनी बनाएंगे इसकी। मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन की डेप्थ थोड़ी ज्यादा हो तो इसमें मैं एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ और आधी कटोरी में पानी डाल रही हूँ। जितना हम चीनी लेंगे उससे आधा पानी रखेंगे और इसको 5 मिनट बॉइल करेंगे। तो हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। मैदा मैंने लिया है तो उसके लिए उतनी ही मैं चीनी ले रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा केसर डालूंगी चाशनी में। केसर के साथ इसमें मैं एक चुटकी छोटी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको 5-6 मिनट में अच्छे से पका लूंगी, तब तक हमारी रेडी हो जाएगी। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तो हम जलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। इसको बैटर को रखे भी हमारे 8-10 मिनट से ज्यादा ही हो गए हैं। देखो ये अच्छे से फर्मेंटेशन इसकी हो गई है। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है क्योंकि जलेबी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम इसको डालेंगे। हलवाई लोग जो होते हैं ना वो जलेबी बनाते हैं कपड़े में, तो अगर आप कपड़े में जलेबी बनाओगे मलमल का कपड़े में तो ये बैटर आपको थोड़ा सा थिक रखना पड़ेगा। मैं आज जलेबी जो है ये केचप, टोमेटो केचप की बोतल मैंने ली है तो इसमें मैं भर लूंगी। इससे क्या होता है ना बिल्कुल एक जैसी जलेबी बनती है, ना मोटी ना पतली। जैसा आप शुरू करोगे लास्ट तक आपकी सारी जलेबी वैसी बनेगी।
तो मैं इस बॉटल में सारा बैटर भर लूंगी। कोई फर्स्ट टाइम ये जलेबी अगर बना रहा है ना इस बॉटल से, तो बहुत अच्छी जलेबी बनती है। अब मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है। अब हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। ये देखो हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। बस इसको एक दो तार की चाशनी का चक्कर नहीं है, आप गर्म करोगे इसको चीनी और पानी को 5-6 मिनट, तो इसी में आपका ये वाली चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये पैन को मैंने गर्म किया है। आप जलेबी बनाने के लिए जो भी कढ़ाई और पैन लोगे उसका बेस काफी चौड़ा हो तो जलेबी अच्छी बनेगी। इसमें आप, मैं डाल रही हूँ देसी घी, आप रिफाइंड में भी बना सकते हो, लेकिन देसी घी में बनाओगे तो जलेबी बहुत टेस्टी बनती है। तो घी इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना, करीब करीब 1 इंच तक आप घी डालना इसमें। अब हम बनाना शुरू करते हैं। करके मैं साइड वगैरह से डाल दूंगी। ये देखो बहुत अच्छा तुम ही बोल सकते। जलेबी टेढ़ी होती है, हमारी कुछ ज्यादा टेढ़ी हो गई होंगी, लेकिन आई एम श्योर इसका टेस्ट जो आप बाजार से लेके जलेबी खाते हैं वैसा ही रहेगा। इसको हम जब पकाएंगे तो बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना है। ये हमारी जलेबी पक गई है। हम इसको तुरंत निकाल के चाशनी में डाल देंगे। चाशनी मैंने थोड़ी सी गर्म कर ली है। हम ज्यादा देर इसको चाशनी में नहीं भिगो के रखेंगे, नहीं तो ये सॉगी टाइप की बन जाएंगी। अगर हमें क्रिस्पी चाहिए तो हम ज्यादा से ज्यादा हम आधा मिनट हम इसको चाशनी में रखेंगे। आधा मिनट में हमारी जो जलेबी है वो रसा जो है इसके अंदर तक चला जाएगा। ये हमारी सारी जलेबी बनके तैयार है। देखो कितनी क्रिस्पी है, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखो और बहुत ही टेस्टी है।